जिसमें ज्ञान वापी में अब पूजा की अनुमति दी गई है। ये कोई दया याचना विजय नहीं है, ये तो 93 तक पूजा हो ही रही थी। बस 93 से 2023 तक पूजा बंद करने वाले पापियों के पाप को अब रोका गया है। जिन्होंने 93 में पूजा बंद की थी उस निर्णय को बदला गया है। ज्ञान वापी पूरे मिलेगी और पूरी ही चाहिए, लेकिन हाँ, हमारे महादेव की श्रृंगार गौरी की पूजा बंद हो गई थी। नंदी बाबा अभी भी प्रतीक्षा में उस तरफ देख रहे हैं जहां मस्जिद के नीचे ये शिवलिंग है। और अब आज का कोर्ट का निर्णय ये कहता है कि यह पूजा प्रारंभ होगी, तो हम ये कह रहे हैं कि यह पूजा केवल ज्ञान वापी में ही क्यों, यह मथुरा में भी और देश के 4,99,999 मंदिरों में भी कब शुरू होगी। 4 लाख मंदिरों में से 40 मंदिरों को आज मैं आपके सामने दिखाऊंगा, कुछ स्थानों के लोगों को जोड़ूंगा भी, लेकिन पहले विस्तार से मुद्दा देखिए। वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दिया है। ज्ञान वापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। अब यहां नियमित पूजा अर्चना होगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है और 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है। नवंबर 1993 तक यहां पूजा पाठ किया जाता था। बता दें, वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर कल सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिस पर आज फैसला आया है। इस केस में हिंदू पक्ष का दावा है कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा पाठ को उस वक्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था, जिसको शुरू करने का पुनः अधिकार दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञान वापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया है। हिंदू पक्ष ने 30 साल बाद इंसाफ होने की बात कही है। यहाँ पर साल 1993 तक पूजा होती रही है। यह याचिका शैलेंद्र पाठक ने दायर की थी। इसमें हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि साल 1993 में यूपी सरकार ने यहाँ पूजा पाठ को रुकवा दिया था। नवंबर 1993 से पहले यहाँ पूजा पाठ होती रही थी। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में मांग की गई कि यहाँ फिर से पूजा अर्चना शुरू करवाई जाए। इसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। ज्ञान वापी मामले में कई केस एक साथ चल रहे हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 1669 में हुई थी। हिंदू पक्ष का दावा था कि साल 1669 में औरंगजेब के कहने पर यहां शिव मंदिर को ढहा दिया गया था, इसकी जगह पर मस्जिद बनाई गई थी। अपनी इसी बात को साबित करने के लिए हिंदू पक्ष कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। ज्ञान वापी से जुड़े वजू खाने में सर्वे के मसले पर आज यानी बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई थी। ASI ने यहाँ सर्वे की मांग की थी। इस मांग को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज़।